हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनी ठाकर है और आपका आज के इस कोर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एटिकेट के बारे में। और ये प्रोफेशनल एटिकेट क्या है, ये क्यों जरूरी है? वेल, प्रोफेशनल एटिकेट, प्रोफेशनल का मतलब हम सब जानते हैं और एटिकेट का मतलब है शिष्टाचार, यानी कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने के लिए आपको किन शिष्टाचारों की जरूरत है, आपको कैसे इस शिष्टाचारों को सीख के आप कैसे असाधारण साबित हो सकते हैं, कैसे आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सकते हैं, आज हम इस पे गौर देंगे। तो प्रोफेशनल एटिकेट में चार चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि ग्रूमिंग, फर्स्ट इम्प्रेशंस, कम्युनिकेशन और एक प्रोफेशनल इमेज बनाना। तो ये चारों चीजों को हम ध्यान में रख के इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्यों जरूरी है? ग्रूमिंग क्यों सबसे पहली चीज होती है जो सबके दिमाग में आती है? क्यों हमेशा हमेशा पहली बार ग्रूमिंग के बारे में सिखाया जाता है? वेल, इसलिए क्योंकि ग्रूमिंग जो है वो औरों के मन में आपके प्रति एक प्रतिभा बनाती है, जिस वजह से वो सही होना बहुत जरूरी है और इसीलिए ग्रूमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। वेल, ये जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों या ऐसा कैसे। वेल, आप याद करिए आपका पहला दिन कॉलेज में, जब आप बस कॉलेज में जा ही रहे थे अपने ऑडिटोरियम के तरफ और आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, आपने अपने बहुत सारे कोलीग्स को देखा होगा और देखते ही आपने मन ही मन में ये जान लिया कि ये कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर लाते होंगे, जिनको देख के आपको पता चला ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते होंगे। कुछ बच्चे थे जिनको आपको देख के लगा कि हाँ, इनका फैशन क्वोशेंट बड़ा अच्छा है, पढ़ाई का हमें पता नहीं लेकिन ये फैशन में एकदम अव्वल नंबर पे आते हैं। और कुछ बच्चे थे जिनको आपको देख के लगा कि ये इन लोगों में दोनों चीज का बैलेंस है, यानी कि स्कोर भी अच्छा खासा करते होंगे एंड फैशन इज आल्सो गुड। वेल, ये चीजें आपके मन में कैसे आई, आपने ये प्रतिभा अपने मन में कैसे बनाई? ये चीजें आपके मन में आई उनके पहनाव से और उनके सेल्फ मेंटेनेंस से। वेल, इस चीज को परसेप्शन कहा जाता है या प्रतिभा कहा जाता है। हम जब लोगों के पहनाव को देखते हैं या उनके सेल्फ मेंटेनेंस को देखते हैं तो हमारे मन में जो है उनके प्रति एक इमेज बन जाती है। हम मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये जो है कुछ अच्छे हैं या ये जो है कुछ बुरे हैं। अगर मैं हाई स्कोर वाले बच्चों की बात करूं तो आपके मन में ये कैसे आया कि ये हाई स्कोर लाते होंगे? जस्ट बिकॉज उनके उन्होंने स्पेक्स पहने थे, उन्होंने फुल फॉर्मल कपड़े पहने थे, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे आपको लगा ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में बिलीव करते हैं। जो फैशन के बारे में सोचते थे, उन्होंने एकदम नए कपड़े, नई हेयर स्टाइल, न्यू ट्रेंड, मैचिंग बैग, मैचिंग शूज, अपने पहनावे को इस तरीके से रखा था कि आपको लगा ये शायद ज्यादा अपने पहनावे पे फोकस करते हैं, फैशन पे फोकस करते हैं, राइट? इसी वजह से आपको लगा कि ये फैशन में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वी आर नॉट रियली श्योर कि ये पढ़ाई में कैसे होंगे। और कुछ लोग जो थे जिन्होंने अपना मेंटेनेंस भी अच्छा रखा था, उनका पहनाव भी अच्छा था और आपको लगा कि हाँ, ये दिस इज अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। वेल, तो ये बैलेंस मेंटेन करना ही बहुत जरूरी होता है। और आपने जैसे इन स्टूडेंट्स को देख के अपने दिमाग में एक प्रतिभा बनाई, वैसे ही जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो आप जिस तरीके से ग्रूम्ड होते हैं वो इंटरव्यूअर भी आपके प्रति अपने मन में एक प्रतिभा बनाता है। वो भी ये सोचता है कि हो सकता है ये बच्चे जो हैं कुछ जो सिर्फ पढ़ाई में बिलीव करते हैं, आई एम नॉट श्योर इनकी सॉफ्ट स्किल कैसी होगी जो कि कॉर्पोरेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चों को देख के लगा कि अरे ये तो फैशन में बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता इनका स्कोर्स कैसा होगा। और कुछ होते हैं जो उनको एक परफेक्ट बैलेंस लगता है। और हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान कि हम किन चीजों को यूज कर सकते हैं ताकि हमें वो बैलेंस दिखे, वो कॉन्फिडेंस दिखे, वो ट्रस्ट दिखे। तो चलिए हम पहनावे की ओर बढ़ते हैं कि कैसे पहनावा जरूरी है और किस तरीके के कलर्स या क्या पहनना चाहिए ताकि हम एकदम एक बैलेंस कैंडिडेट साबित हो। वेल, पहनावा,
पहनावा जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है और हम जानेंगे कि कौन से कलर का पहनावा होना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को एमिट कर सके जो इंटरव्यूअर को ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स जो पहनावा है वो फॉर्मल होना चाहिए। लड़कियां जो हैं वो फॉर्मल सूट अथवा फॉर्मल ड्रेस प्रेफर कर सकती हैं और लड़के जो हैं इनको फॉर्मल सूट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से कलर्स पहनने चाहिए और क्यों। तो सूट में जो पहला कलर प्रेफर किया जाता है वो है नेवी ब्लू। ब्लू कलर क्यों? क्योंकि ब्लू कलर एक ऐसा कलर है जो ट्रस्ट एमिट करता है, विश्वास एमिट करता है, सिक्योरिटी एमिट करता है। यदि आप बैंक्स और फेसबुक ये सब का लोगो देखें तो कौन से कलर का है? ब्लू। क्योंकि ये कंपनीज जो हैं आपको आपके अंदर एक विश्वास आकर्षित करना चाहती हैं, आपके अंदर एक विश्वास जगाना चाहती हैं उनके प्रति, राइट? इसी वजह से वो ब्लू कलर के लोगोज यूज़ करते हैं। और एक इंटरव्यू में भी यदि आप एक ब्लू कलर पहनते हैं तो वो साइकोलॉजिकली जो है एक ट्रस्ट एमिट करता है। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस कलर टू गो विथ। नेक्स्ट कमिंग टू अ डार्क ग्रे। डार्क ग्रे एक ऐसा कलर है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस एमिट करता है। ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो बहुत ही पावर या बहुत ही डोमिनेंस एमिट करता है। और बिकॉज आप फ्रेशर्स हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल कि यू गो विथ अ डार्क ग्रे रादर देन गोइंग फॉर अ ब्लैक कलर। नेक्स्ट कमिंग टू शर्ट, तो आपको शर्ट जो है आप ब्लू या ग्रे के नीचे एक प्लेन शर्ट प्रेफर करें और वो प्लेन शर्ट का जो कलर है या तो वो वाइट होना चाहिए या फिर लाइट पिंक अथवा लाइट ब्लू। प्लेन यानी कि कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए आपके शर्ट में। इट हैज़ टू बी अ प्लेन शर्ट। और द बेस्ट कलर्स, जो बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन वो ब्लू और डार्क ग्रे के साथ जाता है, पहला है वाइट, इफ़ नॉट आप लाइट पिंक या लाइट ब्लू भी पहन सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाई की ओर। टाई कौन से रंग की होनी चाहिए? याद रखें टाई जो है आपके शर्ट से हमेशा एक डार्कर कलर की होनी चाहिए। तो डार्क कलर्स आर प्रेफर्ड फॉर द टाई। नेक्स्ट कमिंग टू बेल्ट। बेल्ट जो है प्लीज़ प्रेफर अ ब्लैक कलर्ड बेल्ट। ये दोनों सूट के साथ ब्लैक इज समथिंग दैट विल गो ईजिली। नेक्स्ट हम आते हैं शूज़ पे। तो शूज़ जो हैं आप जो फॉर्मल शूज़ कहा जाता है उनको ऑक्सफर्ड शूज़ भी कहा जाता है। तो फॉर्मल ऑक्सफर्ड शूज़ पहनना अपने इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप इस पहनाव में होते हैं तो आप एक इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस ट्रस्ट एमिट करते हैं। एक बैलेंस मेंटेन होता है कि हाँ दिस इज़ समवन जिनको सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज लगती है। आगे हम जाते हैं सेल्फ मेंटेनेंस पे कि अपने आप को मुझे कैसे मेंटेन करना है, अपने आप में मुझे किन चीज़ों को बदलना है ताकि मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट साबित हो पाऊँ। तो लेट्स सी, जो पहली चीज़ है वो है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमें अगर कभी किसी का मेकओवर करना पड़ता है या हम मेकओवर करना चाहते हैं तो हम पहली चीज़ क्या करते हैं, उनको पार्लर में लेके जाते हैं और उनको एक हेयर कट करवाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हेयर स्टाइल जो है वो एक इंसान की पर्सनालिटी चेंज कर देता है। जिस वजह से हेयर स्टाइल, एक अच्छी हेयर स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो आपके लुक को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत अलग कर देगा। और जैसे ही आपकी पर्सनालिटी अलग लगने लगती है आपकी एक अलग इमेज बन जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 4-5 महीने में एक बार एक अच्छी हेयर स्टाइल करवानी चाहिए बिकॉज ये आपके पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करती है। तो नेक्स्ट आते हैं बियर्ड पे। आजकल की फैशन है कि बियर्ड सब रखते हैं, बट यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यदि आप एक अपनी प्रोफेशनल इमेज बनाने जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बियर्ड जो है वो कम्प्लीटली एक बहुत ही अलग इमेज सेट करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बियर्ड जो है बिल्कुल ट्रिम्ड हो। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप क्लीन शेव करें अपने आप को। यदि आपको लगता है कि क्लीन शेव आप पे नहीं अच्छा लगता और आप बियर्ड रखना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो बहुत ही कम्प्लीटली ट्रिम्ड हो। यदि ट्रिम्ड नहीं होती है
तो प्लीज़ आप याद रखें, चाहे आप कितने भी अच्छे हो बाकी चीज़ों में, सिर्फ ये इस एक चीज़ के वजह से आप पीछे जा सकते हैं। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बियर्ड को जो है कंप्लीटली ट्रिम रखें। अब जाते हैं मेकअप पे। सो गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि बिना मेकअप भी इतना ही खराब माना जाता है जितना कि बहुत ज़्यादा मेकअप। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों को यूज़ करें मेकअप में, जैसे कि नॉर्मल काजल यूज़ करना, एक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना और एक बहुत ही लाइट लिपस्टिक शेड यूज़ करना। डार्क कलर्स जैसे कि पिंक, रेड, ये सब प्लीज़ प्रेफर करिए कि आप ना यूज़ करें। बहुत ही सिंपल लाइट कलर लिपस्टिक शेड, काजल और कॉम्पैक्ट, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नेल पॉलिश पहन रही हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपका नेल पॉलिश जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर हो या फिर आपका स्किन कलर होना चाहिए। कभी भी कोई भी डार्क कलर्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टैटू। टैटू वी हैव टू मेक श्योर कि टैटू हमारी स्किन पे कहीं भी इंटरव्यू के दौरान नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज टैटू जो है एक अलग इम्प्रेशन क्रिएट करता है और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए आपका टैटू जो है हमेशा आपके यूनिफॉर्म से या जो आप पहन रहे हैं उससे कवर्ड होना चाहिए। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं और यदि आपकी ग्रूमिंग परफेक्टली इन प्लेस है जैसा हमने समझाया, तो आपने पहला पड़ाव जो इंटरव्यू का है वो पार कर लिया है। आपने एक इंटरव्यूअर के सामने एक अपनी अच्छी इमेज बना ली है।